अभिषेक के सपोर्ट में उतरे अंकित गुप्ता ईशा को लेकर कही बड़ी बात, कहा मेरी और ईशा की वाइब्स नहीं मिलती। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी दुबे। अभिषेक कुमार और अंकित गुप्ता की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, यहाँ तक कि अंकित अभिषेक को अपना भाई मानते हैं और जब से वो बीबी हाउस में गए हैं अंकित उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाल में दिए एक इंटरव्यू में अंकित गुप्ता ने ईशा मालविया के साथ अपनी दोस्ती को लेकर काफ़ी शॉकिंग खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है अंकित गुप्ता ने, चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। एक इंटरव्यू के दौरान अंकित गुप्ता कहते हैं, अभिषेक मेरा दोस्त नहीं भाई है, मैं बिग बॉस नहीं देखता लेकिन यहाँ वहाँ से चीज़ें पता चल जाती हैं, वो बहुत इमोशनल है और काफ़ी अच्छा बंदा है, अगर वो आपसे प्यार करता है तो आप पर सब कुछ लुटा देगा। वो मूव ऑन हो चुका है लेकिन पुरानी चीज़ें को देखकर स्टार्टिंग का वक्त उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। उसने सलमान सर की एडवाइस को पॉजिटिव लिया। अभिषेक के बारे में यही बात बेस्ट है कि चीज़ों को समझने और सोचने की कोशिश करता है। मेरी वाइब ईशा के साथ मैच नहीं हुई, सिर्फ काम से काम, बस इसलिए हमारे बीच दोस्ती जैसा कुछ नहीं है। जिन चीज़ों से अभिषेक इफेक्ट हो रहा है उससे उसे दूर रहना चाहिए। जब आपको पता है कि वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है तो उससे दूरी बना लेना चाहिए। बट ये प्यार का मामला है, थोड़ा ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कितना भी आप संभालने की कोशिश करो मुश्किल हो ही जाती है। अभिषेक के गेम के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि बेस्ट करे और ट्रॉफी तो घर ही आनी है। इस तरह से अंकित गुप्ता ने खुलासा किया है कि ईशा के साथ उनकी कोई दोस्ती नहीं थी, बस काम से काम का मतलब रखते थे और हाय हेलो ही थी, क्योंकि अंकित और ईशा की वाइब मैच नहीं करती थी और अंकित ने खुलकर अभिषेक को सपोर्ट किया है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि उडारिया सीरियल में ईशा, प्रियंका और अंकित और अभिषेक, ये सारे लोग साथ में काम किए थे, लेकिन अभिषेक की ही सबसे ज़्यादा जमती थी, चाहे वो प्रियंका हो चाहे वो अंकित हो, लेकिन ईशा के साथ सभी का कहीं ना कहीं मनमुटाव देखा जा रहा है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है ये तो ये लोग ही जाने। वेल, आपकी इस पर क्या राय हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।